प्रेम शुक्ला जी, यहाँ पर टीएमसी जो है उसकी तरफ से लेफ्ट को तो सिरे से खारिज किया जा रहा है। वो कह रही हैं कि साहब आप चुनावी इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिस तरीके से सीटें और इनका वोट शेयर सिमट रहा है, मतलब टीएमसी लेफ्ट को तो इस लायक ही नहीं मान रही है कि उनके उठाए सवालों का जवाब दे। अब आती है बीजेपी की बारी, क्योंकि लेफ्ट और बीजेपी वो दो लोगों को एक अटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो सवाल आज मैं लेकर आई, ये कोलकाता और बंगाल में लड़ाई ममता वर्सेस जनता या फिर दीदी वर्सेस मोदी, ये क्या है? प्रेम शुक्ला जी, देखिए, दीदी वर्सेस मोदी की भी लड़ाई नहीं, ममता वर्सेस जनता की भी लड़ाई नहीं, बल्कि ये जो है अपराधियों को संरक्षण देने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है और उसमें ममता दीदी स्वयं शामिल है। आपके चैनल पर पिछले 33 मिनटों में लगातार सुश्री डोला सेन एबीपी न्यूज को झूठा बोल रही हैं, रोमाना जी को बार बार करें कि आप झूठ बोल रही हैं, फुआद अलीम साहब को उन्होंने कहा झूठ बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी उन्होंने जो है टिप्पणी करने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं की, कोलकाता हाई कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों को तो उन्होंने राजनीति से प्रेरित बता ही दिया कि वहाँ सीपीएम और भारतीय जनता पार्टी के लोग पॉलिटिकल केस लेकर गए करके उन्होंने सीबीआई को दे दिया। तो साफ सारा जग झूठा है, सिर्फ सच्चे वो लोग हैं जिनकी झूठ सबके सामने बेपर्दा है। ये किससे छिपा हुआ है कि आपके अस्पताल से सुपरिंटेंडेंट ने फोन करके उस पीड़िता के परिजनों से ये कहा पहले कि आत्मा वो बीमार है, फिर कहा उसने आत्महत्या कर ली, ये तो सबके सामने पब्लिक डोमेन में है। उसके चार घंटे तक उनके परिजनों को मिलने नहीं दिया है, पब्लिक डोमेन में है, और आप एफआईआर नहीं लॉन्च कर रहे थे। ये सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश पार्टी वाला कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। ये अलग बात है कि आजकल कांग्रेस और उनके बगल बच्चा दल जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर भी टिप्पणियां करते हैं, और रेवंत रेड्डी की टिप्पणी को लेकर जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, उसी तरह का संज्ञान कालांतर में मुझे लगता है टीएमसी के लोगों पर भी कभी सुप्रीम कोर्ट लेगा, ऐसी स्थिति है। आप जो है पार्टी वाला साहब कह रहे हैं कि 30 वर्षों के अपने करियर में मैंने ये केस नहीं देखा है, और जिस तरह का अट्टहास श्रीमान कपिल सिब्बल जी ने जो पश्चिम बंगाल की सरकार के वकील बनकर वहां खड़े थे, 22 वकीलों की जो वहां टोली खड़ी थी, उनके अट्टहास को किसने नहीं देखा है, और उस अट्टहास पर आपत्ति जो सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों की हुई वो किससे छिपा हुआ है? तो झूठ तो आप बोल रहे हैं जी, और आप खुद जो है धरना प्रदर्शन ममता बनर्जी करें तो ये उनका अधिकार है, वो सत्ता में बैठकर अपने ही खिलाफ धरना करना उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर छात्र धरना प्रदर्शन करें तो ये तो असंवैधानिक है इनकी दृष्टि में, अगर भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन करे तो गलत है, सीपीएम अगर करे तो गलत है, अधीर रंजन चौधरी कुछ बोल दे तो गलत है। तो भाई ये गजब की तानाशाही है कि आप जो हैं मामले को, तो आप जो हैं जहां पर बलात्कार हुआ उस स्थल का जो है परिवर्तन कर दें, आप सबूत मिटाने का प्रयास कर दें, जिस प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी उसको जो है ट्रांसफर ऐसी जगह पे करें जिसको प्रमोशन करने जैसी स्थिति हो। आप उसके बाद कहें कि उसको कस्टडी क्यों नहीं ले रही सीबीआई, अगर उसका कस्टोडियल इंट्रोगेशन आवश्यक था तो पुलिस के पास जब 5 दिन मामला था उसको गिरफ्तार नहीं किया, इसका मतलब उसको बचाया, ये कहना चाह रही है क्या डोला जी? एक बार पूछताछ तक के लिए नहीं बुलाया उस प्रिंसिपल को जिससे लगातार सीबीआई बुलाकर अब पूछताछ कर रही है, और जिस पर अब आरजीकर कॉलेज में जो भ्रष्टाचार का मामला है उसकी जांच भी हाईकोर्ट ने सीबीआई को ही सौंप दी है। मुझे लगता है अब जरा सा हम चर्चा के अंदर लेकर आते हैं, कांग्रेस के नेता रोहन मित्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। रोहन जी, कोलकाता की डॉक्टर बिटिया के साथ जो दरिंदगी हुई उसको लेकर पूरे देश में हमने गुस्सा देखा, हम सब ने अपने भीतर उस गुस्से को महसूस किया, और इस दरिंदगी के बाद जिस तरीके की लापरवाही एक के बाद एक सामने निकल कर आई, तो बंगाल में आप क्या देख पा रहे हैं? क्या ममता सरकार इस जनाक्रोश को महसूस नहीं कर पा रही, या फिर ये जनाक्रोश नहीं, ये सारा का सारा एक पॉलिटिकल नैरेटिव है? आप किस नजर से देख रहे हैं इसको? नमस्कार रोमाना जी, बहुत देर इंतजार के बाद थोड़ा मौका मिल गया हमको अपना बात रखने के लिए। सबसे पहले मैं दो चीज बोलना चाहता हूं कि ये जो नैरेटिव बन जाता है ना मोदी वर्सेस ममता जी, ये बंद कीजिए। मोदी जी का बंगाल से कुछ लेना देना तो है ही नहीं, उनका बंगाल में कोई राजनीति करने का कुछ है ही नहीं, ये बंगाल के मुद्दे पे बंगाल को रहने दीजिए। इधर पे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये मैटर आम जनता की मैटर है, क्योंकि सबसे पहले जो
बहुत सारे मेरे पहले जो फवाद हलीम साहब और जो पहले बोल रहे थे उनका भी पॉइंट्स मैं दोबारा रेज करना चाहूँगा कि ये जो आपका जो क्रिमिनल जो पकड़ा गया था कलकत्ता पुलिस ने, वो कौन था? वो एक सिविक वॉलंटियर था। आज के दिन में एक सिविक वॉलंटियर कैसे बनते हैं पुलिस फोर्स में? उसका कोई रिकमेंडेशन तृणमूल से, कोई लीडरशिप से, या काउंसिलर से, या एमपी से, या एकदम दिग्गज नेता अगर नहीं रेकमेंड करेंगे तो उसको वो पुलिस फोर्स में नहीं लेता है। किसी और का हिम्मत ही नहीं होगा कि उसको पुलिस फोर्स सिविक वॉलंटियर का जगह पे उसको मौका मिलेगा। तो सबसे पहले तो जो पुलिस फोर्स में जो आज पुलिस कमिश्नर है कलकत्ता के, वो कैसे इस पद पे बैठा हुआ है मेरे को आज समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से, हम लोग जब ये घटना घटी 9 तारीख को, 10 तारीख को हमने आरजी करके बाहर प्रदर्शन किए थे। उस दिन हम लोग को जो स्टूडेंट्स थे, जो डॉक्टर्स थे, वो हम लोग को बोले थे कि भाई आप लोग अंदर ना आइएगा, ये हम लोग का लड़ाई आप लोग बाहर से लड़िए। तो हम लोग ने वो रिस्पेक्ट किया, उधर पे पुलिस का भी पहरा था, हम लोग पुलिस को भी रिस्पेक्ट किए, हम लोग अपना मोर्चा उधर पे रुके और हमने अपना बात डाला। फिर हम लोग क्या देखे, 14 तारीख रात को जो पुलिस हम लोग को उस दिन रोके थे आरजीकर के बाहर, उसी पुलिस पे बाहर से 500,000 कितना लोग मेरे को पता नहीं होगा, लेकिन वो लोग आ गए और वो पुलिस को भी मार दिए, पूरा इमरजेंसी रूम में पूरा तोड़ फोड़ करके एकदम हालात खराब कर दिया। 7,000 की संख्या बताई गई। तो कौन लेगा ये? तो पुलिस का दायित्व पुलिस कमिश्नर को लेना चाहिए था, वो भी उन्होंने नहीं ले रहा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ। तो अगर ये तो पुलिस ने भी कोर्ट में भी बात हुआ कि ऐसे इंटेलिजेंस फेलियर अगर हो रहा है स्टेट में, सिटी में, कलकत्ता जैसे शहर में, हार्ट ऑफ कोलकाता में, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? आज ममता जी सीएम है, उनको 2021 में बहुत बड़ा वर्डिक्ट मिला है। हम एक चीज बोलना चाहते हैं, कांग्रेस की तरफ से हम लोग ये जो राष्ट्रपति शासन का जो बात उठा है एकदम सहमत नहीं है। ABP News, आपको रखे आगे।